दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता ने उनका जेल से भेजा हुआ संदेश पढ़कर सुनाया। सुनीता ने जेल से भेजा गया पत्र पढ़ते हुए कहा कि आपके केजरीवाल ने जेल से सभी विधायकों के लिए संदेश भेजा है। सुनीता ने बताया सीएम केजरीवाल ने कहा, मैं जेल में हूँ, इस वजह से मेरे किसी दिल्लीवासी को किसी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सभी विधायक हर दिन अपने विधानसभा में जाएं और इलाकों का दौरा करें, लोगों की समस्याओं का हल करें। मैं केवल सरकारी विभागों से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने की बात नहीं कर रहा, हमें लोगों की बाकी समस्याएं भी दूर करनी है। दिल्ली की 2 करोड़ जनता मेरा परिवार है, उन्होंने कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। उधर जेल से बाहर आने के बाद आप सांसद संजय सिंह अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुख्यमंत्री आवास पर मिलने पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात हुई। आप सांसद की रिहाई पर खुशी जताते हुए सुनीता ने कहा, जल्द ही सीएम केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को भी न्याय मिलेगा। राज्यसभा सांसद संजय सिंह तिहाड़ जेल से 181 डेज बाद बाहर आए हैं। उन्हें बुधवार रात 8:30 बजे रिहा किया गया। शाम को अदालत का आदेश जेल प्रशासन को प्राप्त हुआ और करीब 1 घंटे की कागजी कार्रवाई के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। इस दौरान जेल के बाहर आप कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटी रही, ढोल बजते हुए लोगों ने काफी देर तक नारे लगाए। संजय सिंह का पार्टी कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनकर स्वागत किया। इस दौरान संजय सिंह ने अपने कार्यकर्ताओं से शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि यह संघर्ष करने का समय है, यह समय जश्न मनाने का नहीं। हमारी पार्टी के सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को जेल में रखा गया है। हमें भरोसा है कि जेल के ताले टूटेंगे और अरविंद केजरीवाल छूटेंगे। इसके बाद संजय सिंह केजरीवाल के घर गए और उन्होंने सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की। ऐसी देश दुनिया एंटरटेनमेंट से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए इंस्टा।